ये अग्निपथ स्कीम ऐसा लेकर आए हैं, कोई अग्निपथ मूवी बॉलीवुड से रिलीज होती ना उस तरीके से इस अग्निपथ स्कीम को लेकर आए हैं। इस अग्निपथ में ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग नौजवानों को ये मौका दे रहे हैं कि देश की सेवा कर सके। तो ये जो अग्निपथ स्कीम है ये सरासर आरएसएस के कैडरों को, आरएसएस के मेंबरों को मिलिट्री आर्म ट्रेनिंग देने की ये सरकार के तरफ से योजना है। ये यही योजना है जो इसराइल के अंदर आम सिटीजन्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिलिट्री ट्रेनिंग गवर्नमेंट के खर्चे पर दी जाएगी। जो अग्निपथ स्कीम जो लेकर आई है बीजेपी गवर्नमेंट, ये सबसे पहले ये इंडिया के अंदर न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, बड़ी बड़ी बातें करके इंडिया के अंदर अच्छे दिन लाएंगे हम लोग, ऐसे वैसे बातें करके लोगों को बहला फुसला कर ये सरकार आई। 2014 से हम देख सकते हैं ये सरकार जितने भी स्कीम्स लेकर आई है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी का मसला हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो एनआरसी और सीएए का मसला हो, चाहे वो किसान बिल हो, लगातार जितने भी बिल आए हैं ये तमाम बिल इसके अंदर सिवाय एक देश लाशें उठाने का दूसरा कुछ भी काम नहीं किया है। आप हर वो बिल का देखिए, उसके खिलाफ में जो भी एहतजाज हुआ है सिवाय लाशें उठाने के कुछ नहीं हुआ है। इतना सब कुछ ये गंदगी करके, इतना पूरा राड़ा करके, इसको अभी साफ भी नहीं किया, उसके बाद ये अग्निपथ स्कीम लेकर आए हैं। ये अग्निपथ स्कीम ऐसा लेकर आए हैं, कोई अग्निपथ मूवी बॉलीवुड से रिलीज होती ना उस तरीके से इस अग्निपथ स्कीम को लेकर आए हैं। इस अग्निपथ में ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग नौजवानों को ये मौका दे रहे हैं कि देश की सेवा कर सके। ये सरासर एक झूठी और ढोसली बातें हैं मोदी सरकार और अमित शाह के, बीजेपी के। इसके अंदर 17.5 साल से लेकर 20 साल के नौजवानों को यहाँ पर मिलिट्री आर्म ट्रेनिंग दी जाएगी और इनको सिर्फ और सिर्फ 4 साल सर्विस दिया जाएगा। 4 साल के बाद इनको ना ही पेंशन दी जाएगी और ना ही इनमें से कुछ ये सर्विस में लिया जाएगा, बल्कि 4 साल के बाद 75% नौजवानों को बेरोजगार किया जाएगा। और वो 75% नौजवान आगे क्या करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें 46,000 नौजवानों को लिया जाएगा। तो ये जो अग्निपथ स्कीम है ये सरासर आरएसएस के कैडरों को, आरएसएस के मेंबरों को मिलिट्री आर्म ट्रेनिंग देने की ये सरकार के तरफ से योजना है। ये यही योजना है जो इसराइल के अंदर आम सिटीजन्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिलिट्री ट्रेनिंग गवर्नमेंट के खर्चे पर दी जाएगी। और वो 4 साल के बाद ये लोग जब सड़कों पर फिरेंगे तो सोचिए देश की हालत क्या होगी। अभी हम देख सकते हैं कि देश के अंदर जब एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जब किसानों का प्रोटेस्ट हुआ, जब नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर के ऊपर से गोलियां चली, किस तरीके से शाहीन बाग में गोलियां चली, किस तरीके से ये किसानों पर गोलियां चली, किसानों के ऊपर गाड़ियां चली। ये सोचिए जब ये 40,000 से ज़्यादा लोगों को जब कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी तो देश के अंदर सिवाय कब्रिस्तान और शमशान के कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है देश को और ये अग्निपथ स्कीम बहुत बड़ा ख़तरा है देश को। और ये जो आज
और इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, 2005 में सलवा जुड़म 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ में कायम किया था, ये जो नक्सलेट है, नक्सलेट के खिलाफ सलवा जुड़म बोलकर कायम किया गया था। वो सलवा जुड़म जब नक्सलेट को ख़त्म कर दिए, उसके बाद क्या हो गया, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर सलवा जुड़म का इतना ज़्यादा जुल्म ज़्यादती बढ़ गई, वहाँ के लोग भागना पड़ा, दलितों को भागना पड़ा, वहाँ के आम जनता को भागना पड़ा। ये सलवा जुड़म सरकार खुद बनाई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलेट्स के खिलाफ बनाई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट 2011 में उस सलवा जुड़म को ख़त्म करने की बात कही थी, उसके बाद उनको वहाँ पर ख़त्म किया गया था। तो ये वही है जो अग्निपथ, नथिंग बट लाइक सलवा जुड़म, ये वही है। तो हमें ये समझना चाहिए, ये मिलिट्री ट्रेनिंग आम जनता को देना, इससे बहुत बड़ा खतरा है, और साथ ही साथ डिफेंस फोर्स जो मिलिट्री है, इसकी बहुत बड़ी तौहीन है। इंडिया में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन अगर कोई आर्मी है तो मिलिट्री, एयरफोर्स, ये तमाम आर्म फोर्स, ये तमाम डिसिप्लिन में आती है। अगर इनको अनडिसिप्लिन किया जाएगा तो ये सरासर गलत है। इसी तरीके से जीडी बख्शी ने, जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के बहुत बड़े समर्थक हैं, लेकिन ये आर्मी के जनरल, रिटायर्ड जनरल हैं, इन्होंने कहा है ये सरासर गलत है, एक अगर इस स्कीम को अगर लागू किया जाएगा तो आतंकवाद बढ़ेगा, और साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान इन नौजवानों को इस्तेमाल कर सकता है, ये डर और खौफ भी इन्होंने बताया है। तो ये सरासर गलत है। उसके अलावा जो आज इंडिया के अंदर तमाम जगहों पर, हम बिहार, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, ये तमाम जगहों पर ट्रेन को जलाया जा रहा है, पुलिस के अड्डों पर ये बमबारी की जा रही है, पथराव किया जा रहा है, इवन डिप्टी कमिश्नर के घर भी घुसकर पथराव किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई बंदूक नहीं चल रही। इस पर आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेगी? वही तो, SDPI का क्लियर डिमांड है। SDPI के नेशनल प्रेसिडेंट ने क्लियरली कहा है, इस जो आर्मी स्कीम को, जो अग्निपथ स्कीम है, इसको इमीडिएटली विड्रॉ किया जाए, ये इंडिया के डिफेंस के खिलाफ है, इंडिया के सिटीजन्स के खिलाफ है, ये इंडिया को बहुत बड़ा खतरा देने वाला है, इसीलिए इसको इमीडिएटली विड्रॉ किया जाए।